नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या नरेंद्र मोदी का चैलेंज राहुल गांधी को कबूल है? नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को तीन चैलेंज दिए हैं, तीन चुनौतियां। राहुल गांधी अपनी स्पीच में, अपने भाषणों में कुछ भी कह देते हैं, मगर क्या नरेंद्र मोदी के इन तीन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे? राहुल गांधी के हर भाषण में ऐसा लगता है जैसे उन्हें हर वक्त मोदी से कोई शिकायत रहती है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कांग्रेस रोती रहती है, नफरत फैला रही है, जहर फैला रही है। जहर का ये डोज कांग्रेस के पास आता कहां से? क्या राहुल गांधी अभी से बीच चुनाव में हार मान चुके हैं? और क्या इतनी हार मान चुके हैं कि अमेठी रायबरेली तक वो लड़ना ही नहीं चाहते और हताश निराश होकर वो अब सिर्फ मोदी के खिलाफ आरोपों की एक लंबी लिस्ट तैयार करके बैठ गए हैं? वैसे एक लिस्ट तो मोदी ने भी बनाई है जिसमें राहुल गांधी के लिए तीन काम है। इस लिस्ट के अंदर क्या है, मोदी ने राहुल से कौन सी तीन गारंटियां लिखकर मांगी हैं, आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को कौन सी चुनौती दी है? नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार को कौन सी चुनौती दी है? शाही परिवार को चुनौती देता हूं, शाही परिवार के शाहजादे को चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से कौन सी गारंटी चाहिए? मोदी को एक नहीं, राहुल से कौन सी तीन गारंटी चाहिए? मुंह जुबानी नहीं, लिखकर कैसी गारंटी चाहिए? गारंटी दे, कांग्रेस देश को लिखित में दे, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे, गारंटी दे, गारंटी दे। राहुल के चट्टे बट्टे कौन हैं जिनका जिक्र मोदी ने किया है? मोदी ने राहुल का जिक्र करते करते किसे दरबारी कहा? मोदी ने कांग्रेस के किस इकोसिस्टम पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है? मैं उनकी पूरी इकोसिस्टम को चुनौती देता हूं, पूरी कांग्रेस को और उनके चट्टे बट्टों को चुनौती देता हूं। कांग्रेस और उसके दरबारी मोदी से इतना गुस्से में है, गुस्से में है, गुस्से में है। जो 14 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, मोदी ने वो 24 में कर दिया। राहुल मोदी को हताश, निराश और हारा हुआ प्रधानमंत्री बताते रह गए। राहुल और राहुल की पार्टी 20,000 किलो मशरूम वाली फेक न्यूज घुमाते रह गए। 1.5 लाख के पेन की अफवाह उड़ाते रह गए। 1.5 करोड़ के चश्मे की फर्जी खबर दिखाते रह गए। अपनी टाइमलाइन पर मोदी के मजे ही मजे वाला एजेंडा चलाते रह गए। इधर मोदी ने राहुल का, कांग्रेस का, कांग्रेस के इकोसिस्टम का, कांग्रेस के चट्टे बट्टों का, कांग्रेस के दरबारियों का लाइव फैक्ट चेक कर दिया, सबको एक्सपोज कर दिया। ये कांग्रेस के शाहजादे माथे पर संविधान रख करके नाच रहे हैं आज भर, देखा होगा आपने। कांग्रेस सिर्फ रोती बैठती है और मोदी को गाली दो, डिक्शनरी खोज करते, रोज नई गाली निकालते हैं, रोज नई गाली निकालते हैं। तीसरे चरण के चुनाव से पहले एक शब्द मोदी के दुश्मनों की टाइमलाइन पर बहुत घूम रहा है, वो शब्द है झूठ। राहुल की सबसे करीबी नेता अपनी प्रोफाइल पर डिक्शनरी में से ढूंढकर माइथोमेनिया शब्द लाती है, उसके आगे झूठ वाला टेक्स्ट चिपकाती है, मोदी को झूठ वाली बीमारी से ग्रसित बताती है। कांग्रेस अध्यक्ष भी अपनी टाइमलाइन पर लाइज 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 वाली स्क्रिप्ट के आगे मोदी का नाम लिखकर शोर मचाते हैं। खड़गे मोदी के नाम जो चिट्ठी लिखकर वायरल कराते हैं उसमें भी लाइज इन योर स्पीचेस वाला एजेंडा ही चलाते हैं। नरेंद्र भाई मोदी साहब को जय जय गर्वी गुजरात। मगर झूठ कौन बोलता है, एक दिन में कितनी बार बोलता है, आज हम आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे। कांग्रेस ने क्या किया, बैंकों पर कब्जा कर लिया। मोदी के खिलाफ झूठ की खेती करने वालों में सबसे बड़ा नाम है राहुल गांधी का।
राहुल के पोस्ट में लिखे ये 23 शब्द पढ़िए। आरक्षण पर लिखी राहुल की हर लाइन में एक से बढ़कर एक झूठ है। राहुल के ऐसे झूठ पर तो अब कम्युनिटी नोट्स तक आने लगे हैं, लेकिन ये इकलौता सैंपल नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि राहुल एक चुनावी रैली में कितना झूठ बोलते हैं। अंदाजा लगाइए आधे घंटे में राहुल कितनी बार झूठ बोलते होंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं, कम से कम 10 झूठ, और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, फैक्ट है, सबूत दिखाते हैं। और इसके लिए हम आपको राहुल की 30 अप्रैल को एमपी के भिंड में हुई रैली के कुछ सैंपल्स दिखाएंगे। सैंपल नंबर 1 में राहुल का पहला झूठ, अमित शाह ने कहा है कि जीतने पर संविधान खत्म कर देंगे। सच क्या है अब ये देखिए। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। सैंपल नंबर 2 में राहुल का दूसरा झूठ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सिर्फ अमीर लोग थे लेकिन गरीब मजदूर नहीं थे। सच्चाई क्या है अब ये भी देख लीजिए। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, सारे के सारे वहां बैठे थे। आपने किसी गरीब मजदूर को देखा, किसान को देखा, कोई था वहां पे गरीब? ना। ये देखिए, ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी, क्योंकि ये जो श्रमिक है, जो ये श्रमिक है, ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। राहुल का झूठ नंबर 3, राष्ट्रपति आदिवासी है इसलिए उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। अब इसका भी फैक्ट चेक देखिए। आदिवासी राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं जाता, उनसे कहा जाता है ना तुम पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आओगे और ना तुम राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आओगे। राम मंदिर और पार्लियामेंट हाउस को नरेंद्र मोदी जी खोलेंगे, कोई आदिवासी का, दलित का, पिछड़े वर्ग का किसी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखना चाहिए। और ये भाइयों और बहनों हुआ। राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निवेदन निमंत्रण दिया गया था। राहुल का चौथा झूठ, केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में अडानी को काम दिया है मगर सच्चाई कुछ और ही है। रेलवे देखो अडानी, सोलर पावर देखो अडानी, बिजली देखो अदानी, सड़क देखो अदानी, हथियार देखो अदानी। आज हम अदानी ग्रुप इज रियली हैप्पी कि हम आज 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। हमने राजस्थान में मेजर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय किया। हम इवन केरला में लेफ्ट गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, ममता दीदी के साथ भी काम कर रहे हैं, इवन नवीन पटनायक जी, जगन, हर स्टेट के अंदर हम काम कर रहे हैं। और जो जो अलग अलग सरकारें हैं, रीजनल पार्टी की भी है, कांग्रेस की भी है, लेफ्ट पार्टी की है, तो मैं आज दावे के साथ बोल सकता हूं कि हमको कोई भी सरकार से तकलीफ नहीं पड़ी है। राहुल का पांचवा झूठ,
प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को आतंकवादी कहा, हमने इसका फैक्ट चेक भी कर दिया। हिंदुस्तान का हर एक किसान जानता है कि हमारे जेब से पैसा निकालने की कोशिश हो रही है। सारे के सारे खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं जो देश को भोजन दे रहे हैं, 24 घंटा खून पसीना देते हैं, वो आतंकवादी हैं। आप याद कीजिए, 2014 से पहले अक्सर किसानों की मांग क्या होती थी? किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती और जो थोड़ी सी मदद भी मिलती थी वो बिचौलियों के खाते में जाती थी। सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे और मझले किसान वंचित ही रहते थे। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। राहुल ने एक और झूठा दावा फैलाया कि संविधान में निहित अधिकारों को कांग्रेस ने जनता तक पहुंचाया, मगर सच कुछ और ही है। इसका भी फैक्ट चेक देखिए। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। जो लोग संविधान माथे पे लग करके नाच रहे हैं ना, उनकी सर्वसत्ता थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था, कश्मीर में भी उनकी सरकारें थी, लेकिन वे कभी भी देश का संविधान सब जगह पे लागू नहीं कर पाए। मोदी के आने तक देश में 2 संविधान थे, एक संविधान से देश चलता था, दूसरे संविधान से जम्मू कश्मीर चलता था। क्या ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान नहीं था? क्या ये भारत के संविधान का अपमान नहीं था? राहुल की ये झूठ वाली लिस्ट बहुत लंबी है। वो हर दिन कोई ना कोई नया दावा करते रहते हैं, मगर खुद अपने दावे का ही फैक्ट चेक नहीं करते। इसी तरह राहुल और राहुल की पार्टी का इकोसिस्टम भी इन दिनों हर घंटे हर मिनट कोई ना कोई नया झूठ परोस रहा है। मोदी को टारगेट करने के लिए एक से बढ़कर एक झूठ की खेती कर रहा है। फेक फोटो, फेक वीडियो घुमाने वाला कांग्रेस का ये इकोसिस्टम, या मोदी की भाषा में कहें तो कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में सक्रिय हो रखे हैं। मगर अब एक एक करके सबके चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं। कैमरे पर खुद बीजेपी वाले सबके झूठ का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। कांग्रेस के जिस हैंडल ने अमित शाह का एडिटेड वीडियो फैलाया, अब उनकी प्रोफाइल पर अकाउंट विदहेल्ड का मैसेज दिखने लगा है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को हेड करने वाले चेहरे आराम से दिल्ली में बैठे हैं, मगर उनके इशारों पर कांग्रेस के जो हैंडलर्स फेक वीडियो वाली दुकान खोल के बैठे हैं, अब उनकी धरपकड़ शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की टीम से जुड़े ऐसे हैंडल्स और उन्हें चलाने वाले जो वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कराने का धंधा कर रहे थे, अब अमित शाह उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। मोदी ने भी इशारों इशारों में फेक वीडियोस की दुकान चलाने वाली कांग्रेस को वार्निंग दे दी है। कांग्रेस समाज में लड़ाई झगड़ा कराना चाहती है। भाइयों और बहनों, आजकल पूरे देश में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस इतनी बौखला क्यों गई है, कांग्रेस इतनी संतुलन क्यों खो बैठी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस आज फेक फैक्ट्री यानी फर्जी माल की फैक्ट्री बन गई है। मोहब्बत की दुकान बोलकर कांग्रेस
झूठ का सामान क्यों बेचने लगी है। मगर फेक वीडियोस वाली ये फैक्ट्री सिर्फ कांग्रेस नहीं चला रही, इंडी अलायंस वाले भी फर्जी वीडियो घुमा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी विरोधी गुट में इस बात की रेस लगी है कि आरक्षण पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर, 400 पार के नारे पर कौन कितना बड़ा झूठ बोल सकता है, कौन एडिटेड वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा व्यूज ले सकता है, कितने लोगों तक ऐसे फर्जी वीडियोस को पहुंचा सकता है। मगर मोदी ने ऐसे सारे फर्जी दुकानदारों पर लगाम लगाने का इंतजाम कर दिया है, ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है और मोदी का सख्त रिएक्शन भी आने लगा है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को अपने साथ रखने के लिए ओबीसी और दलितों के आरक्षण का कोटा मुसलमानों को देना तय किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि एससी एसटी ओबीसी के हलका, उनके हक का जो आरक्षण है वो अपने खास वोट बैंक को दे सके। कांग्रेस की साजिश के बारे में पहले ना कांग्रेस के दरबारी कुछ कहते थे और ना ही उनके लोग। 24 के चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की ये सारी साजिश देश के सामने रख दी है, इसलिए कांग्रेस और उसके दरबारी मोदी से इतना गुस्से में है। राहुल अमेठी जाने से घबरा रहे हैं, प्रियंका रायबरेली जाने से घबरा रही हैं, लेकिन 24 में मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए राहुल और राहुल की पार्टी का इकोसिस्टम आरक्षण पर, संविधान पर तरह तरह का एजेंडा घुमाया जा रहा है। जयराम रमेश अपनी पार्टी का झूठ छुपा रहे हैं, उल्टे मोदी को झूठा बता रहे हैं। मोदी के विरोधी आरक्षण खत्म हो जाएगा वाला झूठ भले ही जोर जोर से बोले, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कर्नाटक जैसे राज्यों में खुद कांग्रेस पार्टी ने संविधान से छेड़छाड़ करके पीछे के रास्ते से एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का कोटा मुसलमानों में बांटने का काम किया है, वो भी सिर्फ वोट बैंक के लिए, 24 में तुष्टिकरण की बदौलत मुसलमानों का वोट बटोरने के लिए। मगर अब मोदी ने राहुल को खुला चैलेंज दे दिया है, तीन चुनौतियां दे दी हैं और कहा है कि दम है तो लिखकर ये तीन गारंटी दो। क्या है कांग्रेस को दी गई मोदी की तीन चुनौतियां, खुद मोदी से सुनिए। एक बहुत बड़े खतरे की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं, इसलिए मैं जगाना चाहता हूं। और मेरी तीन चैलेंज क्या है, मेरा पहला चैलेंज है क्या कांग्रेस ये लिख करके देश को देगी कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, लिख करके दो। दूसरा, धर्म के आधार पर आरक्षण देकर दलित आदिवासी बख्शीपंच ओबीसी का हक नहीं मारा जाएगा, क्या कांग्रेस ये लिख करके देगी। तीसरा चैलेंज, क्या कांग्रेस ये लिख कर देगी कि उनकी जो राज्य सरकारें हैं, उनके जो चट्टे बट्टों की सरकारें हैं, वे ओबीसी कोटा में डाका डाल करके मुसलमानों को शामिल करने का हिडन एजेंडा नहीं चलाएंगे, इसकी गारंटी देते हैं क्या। चुप है मतलब उनके दिमाग में, उनकी सोच में कोई खोट है। अब मुझे जामनगर के लोग बताइए, देश पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा हो, क्या मोदी चुप रह सकता है? क्या मोदी देश को फिर से बांटने दे सकता है? साथियों, मैं आज जामनगर की धरती से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं और कांग्रेस के चट्टे बट्टे सबको कहना चाहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, इस देश को फिर से धर्म के आधार पर मैं बांटने नहीं दूंगा। धर्म के आधार पर दलित आदिवासी बख्शीपंच इनके हक छीनने नहीं दूंगा, ये जिंदा हूं तब तक मैं लड़ता रहूंगा।
और कांग्रेस जवाब देने के बजाय मुंह छिपाकर देशवासियों की आंख में धूल झोंक रही है। मोदी जानते हैं कि कांग्रेस ये चुनौतियां कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि लिखकर गारंटी देने का मतलब ही होगा कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक का खिसक जाना, जो वो कभी नहीं चाहेगी। कांग्रेस तो इसके उलट मुसलमानों को भड़का भड़का कर कह रही है कि अब वो वक्त आ गया है जब मोदी के खिलाफ वोट जिहाद वाला ये बयान सोनिया गांधी के करीबी सलमान खुर्शीद की भतीजी का है। मगर न राहुल कुछ कहते हैं, न सोनिया, न प्रियंका, सब चुप रहते हैं। इसीलिए बीजेपी कहती है संविधान को असली खतरा किसी और से नहीं, कांग्रेस से ही है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है, हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार। बात सिर्फ फेक वीडियोस, फेक इमेजेस और मुस्लिम तुष्टिकरण की नहीं है। कांग्रेस तो अब बाकी बचे 5 राउंड्स के लिए हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने वाले प्लान पर भी काम कर रही है, और इसका एक हिंट खुद खड़गे ने ऑन स्टेज दे दिया जब उन्होंने शिव और राम को लेकर ये कह दिया कि उनके शिव तो राम का मुकाबला भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। मोदी ने खड़गे के इस बयान को अब अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेपन बना लिया है, और अभी से बाकी बची 353 सीटों का टोन सेट कर दिया है, हिंदुओं का वोट सील कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक बड़ा गंभीर विषय छेड़ा है, और उन्होंने कहा है भगवान राम और भगवान शिव, उसके संबंध में बड़ा खतरनाक बयान दिया है, और वे बदिरादे से दिया गया हुआ स्टेटमेंट है, हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल खेला गया है। उन वो राम भक्तों को और शिव भक्तों में भेद देखते हैं, भेद करते हैं, और भेद करके लड़ाना